ये पूरा मतलब ये पूरा खत्म हो गया एक साइड का, अभी मैं आपको खोल के भी दिखा, मतलब पूरा डैमेज है ये, पूरा डैमेज। चाबी के हाथ में गाड़ी चला रहा हूँ। मिल गया सही। ट्रेनिंग कैसा हो रहा है देखो तो बंधुओं, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारा कार से स्टार्ट हो रहा है, कार तो नहीं मतलब एक्सीडेंटल कार, क्योंकि हमारी गाड़ी टो होके चल रही है। तो अभी मैं गया था आज कॉलेज से वापस आते वक्त अंडर पास है, मतलब वहाँ से मैं निकला, आगे तीन गाड़ी ने ब्रेक लगाई, मैंने भी ब्रेक लगाई, लेकिन लगाते थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से आगे की गाड़ी में टक्कर लग गई। उसके बाद में गाड़ी का वो जो सब कूलेंट पानी था वो सब निकल गया, उसकी वजह से गाड़ी चल नहीं पाई थी। आगे वाला बंदा अच्छा था, उसने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, उसका मतलब एक्सीडेंट हुआ, उसका भी नुकसान हुआ, लेकिन उसने कोई FIR या मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं, आपसी समझौता हमारा हो गया। तो अभी तो बाद में हमने कई क्रेन वालों को फ़ोन किया, मतलब गाड़ी चल तो सकती नहीं थी, तो हमने क्रेन ढूंढी, कंपनी में भी फ़ोन लगाया हुंडई में, लेकिन रिस्पांस था उनका अच्छा वाला रिस्पांस था, लेकिन हमारा मॉडल जो थोड़ा ज़्यादा पुराना था उसकी वजह से वो क्रेन वाले आए नहीं। तो फिर हमने लोकल क्रेन वाले को बुलाया, अभी हम जा रहे हैं सीधा इंश्योरेंस क्लेम, मतलब शोरूम में जाएंगे जहाँ पे इंश्योरेंस है गाड़ी का, तो वो तो क्लेम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि मतलब मेरे को कहीं लगी नहीं है। पापा ने भी मतलब कुछ बोला नहीं, पापा ने बोला कि बेटा कोई नहीं, तू गाड़ी तो करके यहाँ पे लेके आ जा, वो अपने देख लेंगे, और मतलब तेरे को कुछ नहीं हुआ यही पूछा पापा ने। और अभी सब घर पे भी सब मतलब परेशान है कि मेरे को क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मेरे को कुछ हुआ नहीं है। तो अभी हम पहुंचे टोल नाके के पास, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे शोरूम में। और अनिरुद्ध भाई का भी कॉल आया, देव भाई का भी कॉल आया, अक्षय भाई का भी कॉल आया, मतलब कि कुछ हुआ नहीं तेरे को। लेकिन भाई मेरे को कुछ नहीं हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मेरे को। अभी हम घर के पास तो पहुंच गए हैं, लेकिन पापा को मैंने कॉल भी कर लिया, पापा भी आ रहे हैं, लेकिन माहौल थोड़ा गर्म है, अभी थोड़ा सुनना तो पड़ेगा, गलती की है तो डांट तो पड़ेगी। अभी अनिरुद्ध भाई का भी कॉल आया, वो भी आ रहा है, इसमें से पहले हो चुकी है बारिश स्टार्ट, और मतलब अभी कुछ चालू तो हो नहीं सकता, इंजिनेशन और इसमें कुछ चालू नहीं कर सकते, तो लग रही है गर्मी, लेकिन बारिश है तो गाड़ी भी भीगने नहीं दे सकते। ये आ रही है बारिश, पूरी जो भी समस्या है होनी थी वो आज ही होनी थी, पता नहीं आज किसका मुंह दिख के निकला, बहुत खराब हुआ। तो बंधु ऐसा हो चुका है हमारा एक्सीडेंट, ये पूरा मतलब ये पूरा खत्म हो गया एक साइड का, अभी मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, इसमें ऐसा वाला नुकसान हुआ है हमको, ये पूरा बैटरी भी हिल गया, ये कूलेंट निकल गया है पूरा, और एक साइड से पूरा इम्पैक्ट हुआ था, और ये कुछ क्रेन से ऐसे बंधी हुई है, इस साइड से भी देखो ये पूरा ऐसा है, मतलब पूरा डैमेज है, ये पूरा डैमेज। एक साइड से गाड़ी हमने मतलब सीधी ठोक थी, लेकिन हमने ब्रेक लगाई, गाड़ी टेढ़ी हो गई और ठुक गई, और ये नंबर प्लेट भी निकल चुकी है लगता है। और ये कूलेंट पानी रेडिएटर ओके, लेकिन ये इसका जो है टूट गया पूरा, और ये लाइट यहाँ से ये भी पूरी पैनल गई है, लेकिन साइड लाइट और सेंसर सब वर्क कर रहा है, ये लाइट पूरी टूट चुकी, हिल भी नहीं रही है। तो अभी पापा आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, हालत तो ऐसी कर ही दी है, थोड़ा सुनना पड़ेगा, थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा ही सुनना पड़ेगा, लेकिन आने देते हैं पापा को। पापा और दिशांक अनिरुद्ध सब आ रहे हैं, अनिरुद्ध सीधा शोरूम पे आ रहा है, लेकिन तो अभी दिशांक और पापा आ चुके हैं, उन्होंने इम्पैक्ट देख लिया, और अभी हम जा रहे हैं वापस शोरूम की ओर। पापा अभी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन घर जाके पता नहीं क्या करेंगे। कोई नहीं, मैंने सारा सामान गाड़ी का जो था वो निकाल लिया है, अभी तो हम जा रहे हैं शोरूम की ओर, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और एक नई चीज, बिना चाबी के आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, भाई किसी का ऐसा दिन ना है मेरे जैसा कि बिना चाबी के गाड़ी चले, किसी का भी ना है। और दिशांक अभी देख रहे हैं, और दिशांक उसका शूटिंग कर रहा है, तो अभी वहां से आगे निकल गए, मतलब
जहाँ से मुड़ना था वहाँ से आगे निकल गए। भाई को मैंने बोला लेकिन वो नहीं मानी, रास्ता बंद है, अभी पूरी मुड़ा के लानी पड़ेगी हमको गाड़ी। मैंने उनको बोला कि यहाँ पे रास्ता बंद होता है, लेकिन बोल रहे भाई खुला होगा, नहीं माना वो टोइंग वाला भाई। कोई नहीं, और ये है हमारा शोरूम, यहाँ पे रखनी है हमको हमारी गाड़ी। तो अभी जा रहे पूरी मुड़ाने और बाद में ला रहे हैं गाड़ी यहाँ पे वापस रिटर्न। कोई नहीं, चलो मिल गया। सही थे वो भाई, सही थे, मतलब आगे दूसरा भी टर्न है ये, यहाँ पे कुछ है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इनको बड़ा टर्न लगता है, क्योंकि दो गाड़ी है तो बड़ा टर्न लगेगा। अभी देखते हैं, ये पहले निकलने देते हैं कैसे लगाता है टर्न भाई। कोई नहीं समझता, पहले ये गाड़ी पूरी आगे लगाएंगे, बाद में मतलब वहाँ से मुड़ेंगे, क्योंकि दो गाड़ी मुड़ेगी एक साथ, उसकी वजह से पूरे कुछ स्कूल की बस है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही, उसको पता ही नहीं उसको कहाँ जाना है चचा को। कोई नहीं, चलो हो गया, अभी ये मुड़ाया इन्होंने, ये गाड़ी धीरे धीरे मुड़ा ली भाई। है तो ये होशियार कारीगर, क्रेन वाला बंदा होशियार है। वहाँ से एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। चलो हमारी वजह से ट्रैफिक होते होते रह गया पूरा हमारा शोरूम, जहाँ पे लोग नई गाड़ी लेने जाते हैं, हम पुरानी ठीक करवाने जा रहे हैं। वहाँ से निकल गए, लेकिन यहाँ से फिर से अभी दूसरा यूटर्न लगाना पड़ेगा इनको। ये भाई खड़ा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे पड़ा है, और ये लगाया भाई लंबा टर्न लगा है इसने। अरे अरे देखो देखो स्टीयरिंग कैसा हो रहा है, देखो। कोई नहीं, तो अभी टर्न इन्होंने लगा लिया, तो पहुँचते वहाँ पे अनिरुद्ध, पापा, दिशांत सब खड़े हैं। पापा और दिशांत मिल के गए, लेकिन अनिरुद्ध अभी भी टेंशन में, कोई नहीं मिलते उससे भी, वो भी मतलब सब काम काज छोड़ के आ गया सीधा, और ढेर सारा सामान लेने के लिए ढेर सारे बैग चाहिए, तो वो भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी चलते हैं, पहले तो शोरूम में अंदर बातचीत करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, बाद में पता चलेगा। और ये खड़ी पूरी हमारी गैंग, सब आ गए दोस्त सब वहाँ पे, यहाँ पे आए हुए हैं। ये अभी आपको दिखेंगे, पापा खड़े हैं, ये खड़े हमारे भाई सभी भाई लोग। अभी पहले अंदर जाके मिल लेते हैं, बाद में पूछते हैं कि गाड़ी कहाँ लगानी है। तो बंदे अभी सब मतलब आ गए, वो बंदे जिन्होंने चेक कर लिया सब, अभी सब मतलब देख लिया उन्होंने कैसे क्या क्लेम हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो अभी पापा और दिशांक यहाँ पे रुके, अनिरुद्ध को सब सामान लेके घर पे भेज दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे और सुनेंगे तुलसीदास। हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और नीचे मम्मी पापा से बात हुई, उन्होंने थोड़ा डांटा थोड़ा समझाया, और हमारे यहाँ थोड़ी बारिश भी आ रही है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अभी देखते हैं गाड़ी कब तक वो देता है। गाड़ी देने का भी उसने बोल दिया 15-20 दिन लगेगा गाड़ी को ठीक होने में, तो कोई नहीं गाड़ी आती है तब तक वेट करेंगे, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास। चलो आज के ब्लॉग में इतना ही, मतलब ब्लॉग को क्या, आज के एक्सीडेंट में इतना ही। मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए एक्सीडेंट में नहीं, नए ब्लॉग में, नई एनर्जी के साथ। और आप बारिश इंजॉय करिए।